التحيات لله والصلوات والطيبات. जिंदगी की सलायत अता करने का जरिया अल्लाह है, जो खुद हमेशा से जिंदा है। अल्लाह ही ने हमें पहली मर्तबा जिंदगी अता फरमाई, और अब जबकि चारों तरफ चलते फिरते मुर्दों की भीड़ है, तो वही अब उन्हें जिंदगी बख्श सलाहियतें अता कर सकता है। हे अल्लाह रब्बुल इज्जत, आप ही मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं, आप ही उन्हें जिंदगी की सलाहियतें अता कर सकते हैं जो इसके लिए कोशिश करते हैं। हे अल्लाह, रहमत का जरिया भी आप ही हैं, रहमत सिर्फ आप ही नाजिल फरमा सकते हैं, हम पर रहमत नाजिल फरमाइए। हे अल्लाह, आप ही पाक हैं, वो पाकी का जरिया भी आप ही हैं, आप ही पाकी फरमा सकते हैं, हमें पाकीज़गी अता फरमाइए। जिंदगी अता करने वाली सलाहियतें, रहमतें, पाकीजा सोच ख्यालात आप ही के तरफ से आते हैं। हम में अभी भी बहुत सी सिफातें मुर्दों की सी हैं, हमें जिंदगी बख्श सलाहियतें अता फरमा दीजिए, हमें मुकम्मल जिंदा कर दीजिए, हमें अपने रहमत के साए में ले लीजिए, हमारी नापाकियों को दूर कर कर हमें पाक कर दीजिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ए रब्बुल आलमीन, अपने जिंदा नबी को, रहमतुल आलमीन को और अपने पाक नबी को हमारा सलाम पहुंचा दीजिए, और उन पर सलामती और रहमत नाजिल फरमाइए, और उनसे जो काम आप ले रहे हैं उसमें बरकत अता फरमाइए। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ए रब्बुल आलमीन, हमें भी अपनी सलामती में दाखिल फरमाइए, और उन तमाम नेक बंदों को अपनी सलामती में दाखिल फरमाइए जो आपके हकीकी बंदे थे और आपके हकीकी बंदे हैं, जो सिर्फ आपके कानून को मुस्तनद मानते हैं और आपकी रजा के तालिब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। रहमान और रहीम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ना जाने कितनी नमाजों के दौरान झूठी गवाहियाँ दी, अब मैं सच्चे दिल से बहोश आवाज गवाह हूँ कि आप ही इलाह हैं, और आप ही कारसाज हैं, आप ही बंदगी के लायक हैं, और सिर्फ आप ही को कानून जारी करने का हक है। हम इन सब बातों पर गवाही देते हैं। وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ। और मैं सच्चे दिल से बहोश हवास गवाह हूँ कि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सबसे आला दर्जे के बंदे और रसूल हैं, और मैं गवाह हूँ कि उन्होंने आपका पैगाम हमें पहुंचा दिया और रिसालत का फर्ज अंजाम दे दिया। अब हमें उनके बताए हुए नमूने पर उनके कार्य रिसालत को अंजाम देना है।